अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुन, कैसे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक दो गुड न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी से मुतल कुछ अपडेट्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तमाम सुन सुरकेस्ट है कि आपने वीडियो को कमल रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट के हवाले से बात कर लेते हैं। मैंने आज सुबह ही आपको अपडेट दे दी थी कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फेज़ वन की जो एडमिशन है उनको ओपन कर दिया है। तो उसमें जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रेश एडमिशन, वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए खुशखबरी है। वो ये है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पिछले सेमेस्टर से ही इस जो पॉलिसी है मिडल वाली उसको खत्म कर दिया था। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए मिडल पास की जो शर्त है उसको खत्म कर दिया गया है। वो डायरेक्ट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक में एडमिशन ले सकता है। उसका अगर आईडी कार्ड बना हो तो भी ले सकता है, बेफार्म बना है तो भी ले सकता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहता है और उसने मिडल ना किया हो तो वो डायरेक्ट मैट्रिक के अंदर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन ले सकता है। मिडल की पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दी है। यह थी हमारी पहली अपडेट। तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट के हवाले से। काफी ज्यादा बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं कि सर बीएड की फ्रेश वर्कशॉप कब शुरू होगी, यानी कि जो न्यू सेमेस्टर है जिनको यूनिवर्सिटी ने इस दफा न्यू इनरोलमेंट किया है उनकी वर्कशॉप कब तक शुरू होगी। अभी सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स की वर्कशॉप शुरू है जो कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं। तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक दो बैच जो है इसको अनाउंस किया है। 17 जनवरी 2022 से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाले बी 1.5 ईयर, 2.5 ईयर और 4 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ्रेश वर्कशॉप है वो शुरू होने जा रही है। अगर आपको वर्कशॉप अटेंड करनी नहीं आती तो इसके ऊपर मेरी कंप्लीट एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे रहा हूं। ये वीडियो देख ले, आपको वर्कशॉप अटेंड करने का तरीका कार आ जाएगा। और अगर अभी तक आपको LMS का पासवर्ड नहीं मिला तो LMS का पासवर्ड किस तरह बनाना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर शो कर रहा हूं। उसके ऊपर क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लें। उसके अलावा वो स्टूडेंट जिनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है और उनकी जो वर्कशॉप है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही है लेकिन फिर भी इनवैलिड आ रहा है, तो इस टॉपिक के ऊपर कल ही मैंने वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। ये वीडियो देख लें, ये तीनों वीडियो तमाम स्टूडेंट्स देख लें जो पहली दफा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो अपडेट यही थी कि 17 जनवरी 2022 से बीएड की फ्रेश वर्कशॉप शुरू होने जा रही है। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। तो ये दो अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपको बर वक्त इसके बाद से आगाह कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर दफा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।